पे हम लोग बढ़ते ही जाएं, ये काम अनोखा है, हम लोग करते ही नहीं। इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए मंदार से ये युवा संगठन के नेतृत्व में जो नशा मुक्ति अभियान और विभिन्न रचनात्मक कामों को लेकर के महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों वाहनों पर, दुपहिया वाहनों पर, चार पहिया वाहनों पर तिरंगे हाथ में लेकर के, भगवा झंडे हाथ में लेकर के, और हमने जो संदेश देने का काम किया है, ये आने वाले समय में इतिहास बनेगा। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम सबके मन में एक पीस होनी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के ये जिस प्रकार की देश की बीमारियां उनको ठीक करने का हम लोगों को काम करना है, स्वच्छता का संदेश भी हम लोगों को देना है। पूरी दुनिया में भारत स्वच्छता के नाते नंबर वन पर आना चाहिए, अव्वल आना चाहिए, प्रथम स्थान पर आना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प हमारा होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे समाज से जो शहीद हुए हैं, शहीद रमेश चौधरी, उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा लेकर के इस देश की सेना में, पुलिस में, इस देश की सुरक्षा के लिए जो जो वैकेंसी निकलती है उनमें भाग लेने की आवश्यकता है, और वहां पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के इस देश को बचाने का काम हम लोग करेंगे, इस देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों को यहाँ पर इस पवित्र माटी से लेकर के जाने की आवश्यकता है। यह अभियान, ऐसी नशा मुक्ति अभियान को लेकर के चार रैलियां भी निकाल चुके हैं हम लोग। जालौर जिले में एक रैली निकाली है, पाली जिले में दूसरी रैली निकाली है, तीसरी रैली जोधपुर में निकाली है, और ये चौथी रैली यहाँ पर मंडार से लेकर के शहीद रमेश चौधरी के पवित्र स्थान तक यहाँ पर हम लोगों ने निकाली है। आने वाले समय में इस रैली में जो दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और अन्य प्रांतों से भी जो बंधु आए हैं, यहाँ से जो प्रवासी बंधु है वो भी आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में उनका हर प्रकार से सहयोग बना रहेगा। यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग किया है, चाहे वो मीडिया बंधु है, चाहे पुलिस प्रशासन है, अन्य सभी प्रकार के बंधुओं ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, हम आशा करते हैं ऐसे पवित्र काम में, ऐसे देशभक्ति के काम में आप लोग हमेशा तन मन से हमारा सहयोग करते रहिए। हमारे बीच में बड़े गर्व की बात है, युवा संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रतिनिधित्व तो कर रही है महिला के रूप में, वही शिल्पा जी पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे, उनका भी धन्यवाद। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि हम युवाओं से, हम पुरुषों से भी ज्यादा संख्या महिलाओं की आने वाले समय में इस क्रांति के अंदर जोड़ने का आप अपने सभी बहनों के साथ में संकल्प लेकर के काम करेंगे। इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि नशा मुक्ति की हमको शपथ लेनी है। इसके साथ ही यहाँ पर बाकी जो शपथ है वो सब हमने वहां पर ली है। नशा मुक्ति की शपथ लेने के साथ साथ हमको राष्ट्रीय गीत के साथ इसका समापन करना है, उसके बाद तिरंगे वहां पर जमा कराएंगे। इस अवसर पर मैं मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए सर फेराराम जी चौधरी पधारे।